और एक बहुत बड़े
जनाबे गुलाम हैदर भाई साहब वजीर आला पंजाब ने उन्हें बहुत बड़ी जगह दी है गवर्नर के सामने। वो जगह एक रूम में है और वहाँ प्रोग्राम है और जहाँ वो लोग जाते हैं वहाँ तो उन्होंने एक नमाज सजा रखी है, पाकिस्तान बनाने बनाते वक्त की नमाज सजा रखी है, उसमें वो तमाम मसावी है। लोग किस तरह से खच्चर गाड़ियों पर और ट्रकों में या गदा गाड़ियों पर बैठकर पाकिस्तान आ रहे हैं, कितना लुटे पुटे आ रहे हैं, कितने कुर्बानियां दी हमारे लोगों ने, वो सारी नमाज तारीखी तौर पर वो नाम ने जा रखी है। तो इन रुपये से उन्होंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि स्कूल और कॉलेज को उन्होंने अपनाया, वहाँ उनकी गाड़ियाँ सुबह जाती हैं, मैंने मुशाहिदा किया वो सैकड़ों तलबा को रोज लाती है, उनको नजरिया पाकिस्तान की रूहानी सियासी और तालिबान से प्यारा वर्ग करती है। वो मेरे वो वहां जाते हैं और मुशाहिदात की दुनिया में पाकिस्तान की अमली तस्वीर देखते हैं, उनमें एक जज्बा पैदा होता है। इसी जज्बे को आज भी जरूरत है इस अमर की कि हम काशी और यूनिवर्सिटी में जाएं और ये पैगाम और प्याम आप तक पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि आपके कार्यक्रम से हाजिर होकर मुझे एक बहुत बड़ी तस्कीन और राहत मिली है। इस तरह ये और नजरिया पाकिस्तान की रोशनी में आगे बढ़ाने की जो काफी कोशिश है, इससे जान दे रोशनी के बिना बढ़ेंगे फैलेंगे फूलेंगे दुआएं देंगे और जीता समझता हूँ कि हमारी दुबई गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम दिया है कि तमाम कॉलेज में नजरिया पाकिस्तान को कैंप की है। तो यहाँ आपके म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज में वहाँ वहाँ उन्होंने बेहतरीन फोरम का क्या मामला मिला है और प्रोफेसर साहब को सदर बनाया और वहाँ उन्होंने तरतीब दे दी। तो जहाँ मैं महसूस करता हूँ कि ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तमाम कॉलेज के प्रिंसिपल साहबान नजारे में बड़े लोगों को यह हदायत आ चुकी हैं कि वो नजरिए पाकिस्तान की फोरम बनाए। तो इन हालात वाकई की मंजिली में मेरे अभी बात जरूरत समझ की है कि हम जहाँ अपनी जिस्मान जिस्म को जिंदा रखने के लिए खुराक लेते हैं, वहाँ अपने तमाम मामला को चलाने के लिए भी अपने अंदर वो सिपरेट वो रूप और असल हकीकत पैदा करें जिसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। काबिले इहतराम और प्यारे बच्चों, मैं ये महसूस करता हूँ आप पर हमें बहुत फख्र, पाकिस्तान में बदल अजीब में बेहतरीन टैलेंट मौजूद है। ये इरबा करीम का नाम मेरे सामने आ गया, वो छोटी सी उम्र का बच्ची जिसने मेरे सरकार की और दुनिया में बस पर मकाम हासिल किया, आज पाकिस्तान के लोग उस पर फख्र महसूस करते हैं। और इसी तरह की बात बच्चियाँ और बच्चे मौजूद हैं मेरे देश में जो वतन में जिसमें अल्लाह ताला ने सलाहियतें सुबोधी हैं, इसलिए सुबोधी हैं कि वतन और देश आपने लाया है या मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया है। तो आप देखिए गौर करें, आप में डॉक्टर अब्दुल्कदीर खान जिसको अल्लाह ताला ने कमाल का दे दिया एक्टर बनाया और उस में जो उनकी फ्लाइट है दुनिया के फैसला और हिलकर रह गए कि इतनी सलाहियत के डॉक्टर तकदीर में जिन्होंने मेरे को दोबारा सुनने की थी उनको कर दिया।
ये तरतीब प्रोग्राम दिया जो है वो बहुत मांग का है और तमाम आज के कलियर वालों में कॉलेज और स्कूलों में हम नीति वचन से हटाओ का सब का जो है मेरे प्रिय भाई आखिर में बात करूंगा। अल्लाह के अदाब की कई शक्लें हैं। अल्लाह के अदाब में से एक बच्चर का अदाब है। कहते हैं नमरूद जो अपने आप को खुदाई का दावेदार था तो उसको संभालने के लिए पकड़ने के लिए अल्लाह ने हकीम की मखलूक बच्चर को दिया जाओ इसका दबाव दूर करो। कहते हैं वो उसमें दाखिल हुआ हमारे मुल्तम करम खान जी जनाब Got it.